नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस। बता दें कि बीजेपी में लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। पचमढ़ी में बैठक हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई और अब एक और बैठक 12 बजे होने वाली है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिसमें तमाम पदाधिकारी जो हैं बीजेपी के प्रदेश के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और तमाम जो पदाधिकारी हैं सातों प्रकोष्ठों के, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। 2023 की रणनीति, रोड मैप क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे, इन तमाम चीज़ों पर इस बैठक पर बातचीत होगी। साथ ही आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो कि कोर्ट में है, 10 मई को इस मुद्दे पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल जो है वो फिलहाल लगा हुआ है, इसका जवाब 10 मई तक मिलेगा। उसको लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा इस बैठक में होने वाली है जो 12 बजे होगी, जिसमें तमाम पदाधिकारी मध्य प्रदेश बीजेपी के शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन सहमंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बैठक में प्रदेश के सभी जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी होंगे वो शामिल होंगे। 12 बजे ये बैठक होने वाली है, सातों मोर्चों की बैठक होने वाली। आपको बता दें पहली बार ऐसा होगा कई सालों के बाद जब सातों मोर्चों की बैठक होगी। वहीं आगे की क्या कार्य योजना होगी, 2023 में किस तरीके से जाना है, चुनाव के मैदान में कैसे उतरना है, इस पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए अपने सभी विंग्स को साथ में जोड़ करके काम करती रही है। अभी तक हम प्रत्येक जो हमारे 7 मोर्चे हैं इनकी बैठकें होती हैं, 17 प्रकोष्ठ हैं इनकी बैठकें होती हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सभी 7 मोर्चों के प्रदेश के सभी पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक और सह संयोजक, साथ ही जो मोर्चे और प्रकोष्ठों में जो पदाधिकारी, जो प्रदेश के पदाधिकारी प्रभारी हैं, इन सबके साथ बैठ करके आगे के 1-1.5 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हम किस तरीके से काम करेंगे, इसको लेकर के हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठों की क्या तैयारी है वो जानकारी देंगे। उनको आगे क्या करना है इसकी जानकारी भी उनको नेतृत्व प्रदान करेगा। निश्चित रूप से ये कामकाजी, विशुद्ध रूप से कामकाजी बैठक है और इसको माननीय मुरलीधर राव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन महामंत्री जी संबोधित करने वाले, हाँ सभी लोग रहने वाले। तो देखिए, इससे पहले भी लगातार बीजेपी में बैठकों का सिलसिला जारी है, चाहे वो दिल्ली की बैठक हो, चाहे वो पचमढ़ी की बैठक हो। इस बीच अटकलें लग रही थी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी। अटकलें ये भी लग रही हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 2023 के विधानसभा चुनाव का चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ ही बड़ी चुनौतियां भी बीजेपी के सामने हैं। सिंधिया जो कि पहुंचे हैं कांग्रेस का दामन छोड़कर, बीजेपी का दामन थामा है, उनके तमाम जो समर्थित विधायक थे, जो इस वक्त जो है मध्य प्रदेश कैबिनेट में अहम विभाग लिए हुए हैं, अहम मंत्रालय लिए हुए हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है, जो रूठे हुए विधायक हैं, जो रूठे हुए नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, उनको कैसे मनाना है, इन तमाम बातों पर भी चर्चा रहेगी। वहीं सबसे बड़ा सवाल जो है इस पूरे बैठक को लेकर ये रहेगा कि कैसे 2023 का रास्ता तय करना है। बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, लाउडस्पीकर की एंट्री हो चुकी है, हनुमान चालीसा की एंट्री हो चुकी है, और क्या चीज़ें हैं और क्या मुद्दे हैं जिनको बीजेपी 2023 में लेकर आएगी और उन मुद्दों के साथ चुनाव के मैदान में उतरेगी। आपको बता दें इससे पहले संघ के साथ भी एक बैठक जो है वो बीजेपी की हो चुकी है, मध्य प्रदेश बीजेपी की, जिसमें क्या एजेंडा रहेगा इस पर बातचीत हुई थी और अब सातों प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं उनकी जो बैठक हो रही है 12 बजे, इसमें पता चलेगा जब ये बैठक होगी उसके बाद चलेगा पता कि क्या कुछ इस बैठक में रहा, क्या रोड मैप रहा
और क्या कुछ मंथन कर बीजेपी ने निकाला है, जिसके साथ 2023 की तैयारी बीजेपी करेगी। वहीं आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है, उसकी रणनीति भी इस बैठक में बीजेपी तैयार कर सकती है। 12 बजे बैठक होगी, बैठक में जो भी कुछ निकल कर आएगा वो एमपी तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा और तमाम अपडेट आप तक लेकर आता रहेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।